सो गाइस देखो, पतिदेव ना के आ चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे हम कहाँ जाएंगे आज। और देखो बच्चे अभी सो रहे हैं, अंकों की दुनिया नौ अंकु सो रही है। बजे तक सो रही है। देखो दोस्तों, चार्जिंग चल चुकी है, ये चार्जिंग चालू हो गई है हमारी, और मैं आपको जब चार्ज हो जाएगी फिर आपको हम दिखाएंगे हम चलते वक्त कि हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है। और देखो इसका फैन भी कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, तो ये चार्जिंग हमारी चल चुकी है। देखो गाइस, टोल आ चुका है मोदीपुरम सिवाय में, और 5-10 मिनट का रास्ता हो रह गया मेरे घर का, अरे पहुँचने में 5-10 मिनट और लग जाएंगे अभी। और आपको देखो टोल पार करते दिखाते हैं। देखो गाइस, टोल काफ़ी भीड़ है। हेलो गाइस, हम घर पे आ चुके हैं। हमको मेरी बेटी इंतजार कर रही थी, श्रुति है, बहुत फर्रो है, और ये ठगनी मेरी पाइप है, बहुत नलायक है। मैं ठगनी हूँ? हाँ ठगनी है। अकेले आप घूम के आ गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंको की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। देखिए मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। सो गाइस देखो, पतिदेव ना के आ चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे हम कहाँ जाएंगे आज। और देखो बच्चे अभी सो रहे हैं, अंकों की दुनिया अंकु सो रही है। 9 बजे तक सो रही है। और ये देखो ये दोनों भी, श्रुति अभी 9 बजे तक सो रही हैं, तीनों के तीनों। आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है। देखो गाइस, औरत का बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं है। हाँ देखना इसने क्या किया है, ये बातों में लगाऊंगा, तेरा काम में भी ध्यान नहीं है। देखो चाय निकाल दी, ये कुछ तरीका है तेरा? तो बातों में किसने लगाया था? बातों में मैं क्यों लगाता? बातों में लग रही तू अपना, अभी तो जुब मेरे से लड़ रही थी, मैं तो लड़ नहीं रहा तेरे साथ। मैं एक हाथ से टाली बज रही, दोनों से बजेगी, लड़ तो तू भी कह रही थी, लड़ाई में चाय और निकाल दी, यही काम है बस तुझे। साफ कर लेगा, साफ करवा ले, पर वो लिया इसके लिए काम वाली लिया, इसके लिए भी अपने आप कर लूंगी। दीदी वाह, दीदी। देखो दोस्तों इस तरीके से काम करती है, चाय भी निकाल दी और नाश्ता बनाने के नाम पे टाइम लगाती है, फिर लड़ती है मुझसे। इसकी तुम्हें जल्दी रहती है हर काम की। देखो नाश्ता तो टाइम से करना ही पड़ेगा, भूख तो लगती है, अब इसे तो लड़ने वाला चाहिए कोई सुबह सुबह। क्यों, क्या नहीं, सुबह सुबह लड़ने वाले को लड़नी तो खाना से ऊपर ही। अब कह दो तो लड़ाई करती है मुझसे, बताओ। अब मुझे जाना है बाहर और मैं हो रहा हूँ लेट, इसका तो बस लड़ाई करने वाला चाहिए कोई, इतने हम फिर तो घर से बैठे नहीं बिल्कुल लड़ने के लिए इससे। और भी पापा जा रहे हैं, चलो पापा से बात करते हैं। हाय बेटा, उठ गई आप? अभी तो सो रही थी, बड़ी गहरी नींद है। हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? हम यही कह रही हूँ कि आप फॉर्च्यूनर में जाओगे। मैं फॉर्च्यूनर लेके जाऊंगा, हम ईवी लेके जाएंगे, हम प्रदूषण नहीं करते हैं। और मैं भी चलूंगी साथ में। अरे आपको कॉल लेके जा रहा हूँ, क्यों मैं क्यों जा सकती हूँ? हम लेके जाते हैं, हम जो है छोटी बहू को साथ लेके जाते हैं, बड़ी बहू को लेके जाते हैं। ठीक है ना, घर में रहना है ना, नहीं जाना ना, नहीं लेके जाना। पढ़ने की भी कह दो, और पढ़ना है नहीं, आज आपकी पिटाई हो सकती। पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हो गया। हम अपनी ईवी लेके जाते हैं, दोस्तों से रास्ते में मिलेंगे, हम तुमसे बात नहीं करते। ठीक है, बाय गाइस। पापा गेट खोलो, मम्मी पापा निकाल लेंगे इसी गाड़ी को, फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी है, उसे नहीं ले जा सकते, लेके जाएंगे इसी को ही। ओ पापा फोन, पापा का डेली का काम है फोन भूल जाना। देखना दोस्तों, दो दो पैज हैं आपके, पता नहीं क्या बोलते, मैजिक मैजिक है आपके, बताओ कैसे बैठे लोग बाग, बिल्कुल नहीं डरते मरने से। चलो दोस्तों,
दोस्तों मैं आपको अपना ईवी जहाँ चार्जिंग लगा वहाँ दिखाता हूँ और उस रेस्टोरेंट को दिखाता हूँ किस रेस्टोरेंट पे मैंने 58 पे चार्जिंग में लगाना है। मैं जैसे ऑनलाइन शो कर रहा था चार्जर ईवी चार्जर तो देवराना है, दिखाता हूँ आपको पहुँच के एक मिनट में। दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ देवराना पे और आपको देवराना का बाहर का व्यू दिखा देता हूँ और कैसा दिखता है बाहर से। वो सामने से बहुत ट्रैफिक आ रहा है, अभी भी यू टर्न ले लेते हैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको देवराना और उसमें आपको यू चार्जर पर चलते हैं हम, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा उसमें है क्या क्या। तो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितनी पार्किंग में लगी हुई है गाड़ियाँ और हमारा ईवी चार्जर आ चुका है। ये हमारा ईवी चार्जर है, इसका देवराना पे है NH58 मंसूरपुर। अब मैं आपको एक बार गाड़ी बैक लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मैं आ चुका हूँ देवराना और आपका अब मैं ईवी चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चार्जिंग पे लगाते हैं और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक फास्ट फूड पे एक बार आपको चार्जिंग पे। ये चार्जर है यहाँ पे और इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग चलती है नहीं चलती है। ये इसकी गन है, पहले इसको टैंक को खोलते हैं इसके, ठीक है। और मैं इसकी गन लगाने जा रहा हूँ, ये गन है इसकी और ये इस तरीके से मैं इसकी गन लगा देता हूँ। ये तो मैंने आपको पहले भी एक बार ब्लॉग में दिखाया है, ये गन लग चुकी है और अभी ये चार्जर चला नहीं है इसका, अभी चार्जर चल जाएगा फिर मैं आपको चार्जर इसका दिखाता हूँ। देखो दोस्तों चार्जिंग चल चुकी है, ये चार्जिंग चालू हो गई है हमारी और मैं आपको जब चार्ज हो जाएगी फिर आपको हम दिखाएंगे हम चलते वक्त कि हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है। और देखो इसका फ़ैन भी कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, तो ये चार्जिंग हमारी चल चुकी है और मैं आपको अब यहाँ पर दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या क्या। ये इसका एग्जिट गेट है और बाहर पे 100 की गाड़ी खड़ी हुई है और ये यहाँ पर जन चलो दोस्तों हमारी गाड़ी अब चार्ज हो गई है, हम अपने चलते हैं ईवी के पास और उसके बाद फिर निकलते हैं हम घर पे और घर पहुंचने के बाद फिर मिलते हैं हमको, तब तक के लिए बाय। चलो दोस्तों हमारे ईवी से चार्जिंग सेट चुकी है, अब हम चलते हैं। देखो गाइस टोल आ चुका है मोतीपुरम सिवाय में और 5-10 मिनट का रास्ता हो रह गया मेरे घर का, अरे पहुँचने में 5-10 मिनट टोल लग जाएंगे अभी और आपको देखो टोल पार करते दिखाते हैं। देखो गाइस टोल काफ़ी भीड़ है, इधर कम है उधर ज़्यादा थी। कितने ब्रेकर बना रखे हैं टोल पे इनकी सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, अब खड़े रहो इनकी नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, एक गाड़ी में समय ख़राब कर देते निकालने में ये। देखो अब तक न्यू टोल खुला, बहुत काफ़ी समय लगा दिया है। अब देखो हमारी गाड़ी में कितना समय लगता है खुलने में, हमारे में जल्दी खुल गया।
चलो आपने टोल पार कर दिया है, हम चलते हैं घर पे। टोल गाड़ी पेड़ पौधों को पानी देती हुई पुल के ऊपर, देखो रॉन्ग साइड लोग अकड़े पार करते हुए। चलो आगे दोस्तों, गाइस हम अपने घर पे आ गए हैं और हम गाड़ी बंद करेंगे, इसलिए हम हमारा घर आ चुका है। ये गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अभी लड़के ने साफ नहीं करी होगी अब तक। हेलो गाइस, हम घर पे आ चुके हैं और हमको मेरी बेटी इंतजार कर रही थी। श्रुति है बहुत फर्रो है और ये ठगनी मेरी वाइफ है, बहुत नलायक है। मैं ठगनी हूँ? हाँ ठगनी है। अकेले आ अगर आप घूम के आ गए, मुझे खाना नहीं मिला तो आज बंदर बना दिया जाएगा तेरा। दाल चावल दाल चावल तो वैसे भी नहीं खाता मैं। कोई बात नहीं, दाल चावल ही खाने नहीं खाऊंगा मैं, बंदर पक्का बनेगी।